नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से आपको बता रहा हूँ, जो मैकेनिक रहते हैं उनकी ट्रेनिंग वाले वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और उनको ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्योंकि आज से मैं नया चीज़ बनाना चाह रहा था, जो मैकेनिक रहते हैं बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दूंगा, यानी पहले आज बेसिक समझाऊंगा, इसके बाद में फ्यूल के बारे में समझाऊंगा, फिर कार्बोरेटर के बारे में और फ्यूल इंजेक्टर के बारे में समझाऊंगा, इंजन के बारे में समझाऊंगा किस तरीके से इंजन को ओपन करते हैं, कौन कौन सी समस्या इंजन के अंदर आती है, बाइक धुआं दे रही है तो क्या प्रॉब्लम आती है, गियर स्लिप हो रहा है तो किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, किक स्लिप हो रहा है तो किस तरीके से प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मेरे पास सारे मैनुअल है, ये देख रहा होगा पूरा मैनुअल है, ये बजाज एवेंजर पल्सर डिस्कवर सबके मैनुअल है। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं प्रकाश कुमार सैनी हूँ, मैं बजाज ऑटो लिमिटेड पुणे में था, इसके पहले मैं हीरो होंडा लिमिटेड गुड़गांव में था, और मैंने हर एक बाइक की ट्रेनिंग ली है और हर एक बाइक का काम मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मैं एक यूनिवर्सिटी है जेपी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अभी मैं वहीं पर जॉब करता हूँ, लेब इंजीनियर हूँ। तो लेकिन जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, उससे क्या रहेगा जो मैकेनिक भाई हो उनके लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिल जाएगा। तो मैं उन मैकेनिक भाइयों को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, उनको परफेक्ट करना चाहता हूँ, जिससे वो ये काम को जान सके और सीख सके और अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो बहुत सारे आपने देखा होगा मैकेनिक के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो समझाते नहीं है, एक साल साल भर बच्चों को कुछ में जो मैकेनिक करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं उनको कोई कुछ नहीं बताता, बस नॉर्मल चीज़ें बताते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज से बताना चाहता हूँ और आप इस तरीके के मेरे वीडियो देख के आप नॉलेज भी लोगे और अपने अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये मैंने बताया, लेकिन सबसे पहले आपको यदि आप मैकेनिक अच्छे से बनना चाहते हो या कोई भी आम इंसान अच्छे से बनना चाहते हो, तीन चीज़ें आपके पास होना जरूरी है। वो तीन चीज़ क्या रहेगी, सबसे पहले आपको एक मान लीजिए एक ट्रेंगल है यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होने होती है तभी अच्छे से त्रिभुज बनता है, ठीक है। तीनों भुजाएं यदि इसमें से एक छोटी और रह गई तो पूरे तरीके से नहीं बनेगा। तो तीन चीज होती है, पहली कौन सी है, आपका व्यवहार। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो जो व्यवहार की वजह से अच्छी जो जो भी आपको गाड़ी सुधरवाना चाहते हो तो व्यवहार की वजह से अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास आओगे, कहेगा कि सामने वाले का व्यवहार अच्छा है। व्यवहार के साथ साथ दूसरा रहेगा आपका ज्ञान, देख रहा होगा ये ज्ञान, ज्ञान आप में होना चाहिए, ठीक है। आपको ज्ञान है, नॉलेज है आपको, तो और आप यानी कोई भी चीज़ का नॉलेज है आप, नॉलेज तो मैं आपको दूंगा ही, ऐसे बाइक का ट्रेनिंग क्या है तो पल्सर डिस्कवर CT 100 एवेंजर करीब मैं सबका ट्रेनिंग दूंगा। तो ट्रेनिंग देने के बाद आपको ज्ञान बढ़ेगा, यदि आपके पास व्यवहार अच्छा है इसके बाद आपको नॉलेज अच्छा अच्छे से सीख लिए आप, तो नॉलेज है आपका व्यवहार है, लेकिन स्किल, स्किल माने आपको काम करने की कुशलता अच्छे से होना चाहिए। आपने तो नॉलेज व्यवहार भी है आपके पास, नॉलेज भी है, लेकिन काम करने की कुशलता नहीं है तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो काम करने की कुशलता भी आपके पास में होना चाहिए, यदि काम करने की कुशलता रहेगी तो आपको तीनों चीज़ें हो गई, व्यवहार आपका अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, काम करने की कुशलता अच्छी है, तो ऑटोमेटिक आपका जो धंधा रहेगा, जो मैकेनिक वाला जो बाइक मेंटेनेंस वाला मैकेनिक वाला धंधा रहेगा बहुत अच्छा धंधा है। क्योंकि देखो हर एक आज के ज़माने में हर एक घर में एक बाइक जरूर है और बाइक का मेंटेनेंस होता रहता है। यदि बहुत सारे मैकेनिक रहते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता, उनकी वजह से वो और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अच्छे से सीख कर अच्छे से बाइक का रिपेयर कर सकते हो और कस्टमर को सब यानी कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, संतुष्ट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। एक ग्राहक को आपने अच्छी सर्विस दी तो दो वो अपने आप दूसरे के पास जाएगा, यार वो अच्छा करता है, उसको नॉलेज भी है, व्यवहार भी अच्छा है, काम करने की भी कला है उसके पास, तो वो ऑटोमेटिक आपकी पोजिशन बढ़ेगी। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको मैंने बताया है, मैं सबसे पहले आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर आपको और भी नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग एंड डायग्नोसिस वाली मैनुअल है, इसमें सारी चीज़ देख रहे हैं, कैसे कंप्रेशन प्रेशर किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं, इग्निशन टाइमिंग किस तरीके से सेट करते हैं, पिस्टन रिंग को किस तरीके से फिट करते हैं, बाल को किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, हम फीलर गेज की सहायता से नाप सकते हैं, एयर ब्लेडिंग डिस्क ब्रेक सिस्टम को किस तरीके से जो डिस्क वाले बाइक रहती हैं उसके ब्रेक को किस तरीके से सही कर सकते हैं, उसके एयर को किस तरीके से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ड्राइव चेन की किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन आपको मैं बिल्कुल
बारी बारी से समझाऊंगा तो आपको अच्छा सा नॉलेज मिलेगा, अच्छे से ज्ञान मिलेगा। इसके बाद आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ही आप परफेक्ट रहोगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना आदमी प्रैक्टिस करता है उतना ही वो परफेक्ट होता चला जाता है। तो ये मैं बिल्कुल आज बारी बारी से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास सब चीज़ के, इसके बाद इंजन को किस तरीके से ओपन करते हैं, तो मेरे पास पूरा मैनुअल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से ओपन करते हैं। इसके बाद एक्चुअली भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना है। कहीं पर भी जाके, चाहे शोरूम पे जाके आप जॉब करो, ट्रेनिंग तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको शोरूम पे जाना पड़ेगा या फिर किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, उससे आपको सीखना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप ऑटोमेटिक अपनी वर्कशॉप खोलकर अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आज मैं आज आपको बता रहा हूँ इंजन। इंजन यानी देखो, आजकल की जो बाइक आ रही है सब फोर स्ट्रोक बाइक रहती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैकेनिक से पूछा कि ये फोर स्ट्रोक क्या होते हैं, उनको ये पता नहीं है फोर स्ट्रोक क्या रहता है। वो बता रहे चार गियर रहते हैं इसलिए फोर स्ट्रोक है, ऐसा कुछ नहीं है। फोर स्ट्रोक का मतलब रहता है कि पिस्टन इंजन के अंदर चार प्रोसेस रहती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चार स्ट्रोक में पूरी होती है। वो किस तरीके से होती है तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक मॉडल है। सबसे पहले आपको इंजन के पार्ट्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेंडर हेड ऊपर रहता है, उसमें वाल्व लग रहते हैं, स्पार्क प्लग लग रहते हैं, ठीक है। नीचे रहता है सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही पिस्टन ट्रेवल करता है, मूव करता है। ये सिलेंडर ब्लॉक रहता है, ये पिस्टन रहता है, ये कनेक्टिंग रोड रहती है, ये क्रैंकशाफ्ट रहती है। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जो कनेक्ट करती है उसका नाम कनेक्टिंग रोड है, इसलिए उसका नाम है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जो कनेक्ट करती है उसका नाम कनेक्टिंग रोड है। ये फ्लाई व्हील रहता है, ये गियर लगे रहते हैं। तो ये तो मैं मॉडल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ फोर स्ट्रोक इंजन क्या है, फिर मैं आपको एक्चुअली बाइक के इंजन पे बताऊंगा हर एक चीज़। तो मॉडल के द्वारा मैं आपको चार स्ट्रोक समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखो स्ट्रोक का मतलब रहता है पिस्टन के द्वारा चली हुई, पिस्टन ऊपर है टॉप डेड TDC पे, यानी टॉप डेड से पिस्टन की पोजिशन यदि ऊपर है उसको टॉप बोलते हैं, वो पिस्टन की पोजिशन नीचे है उसको बॉटम बोलते हैं, यानी नीचे की साइड। तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। तो सबसे पहले पिस्टन ऊपर है, मान लो जो पिस्टन ऊपर है तो पहला स्ट्रोक रहता है वो सक्शन रहता है, सेकंड कंप्रेशन रहता है, थर्ड पावर रहता है और फोर्थ आपका एग्जॉस्ट रहता है। वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब हम किक देते हैं तो पिस्टन ऊपर से लेके नीचे आता है, नीचे आने पर जो कार्बोरेटर रहता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, इसके द्वारा वाल्व के द्वारा इंजन के अंदर पहुँचता है सिलेंडर के अंदर। सेकेंड स्ट्रोक रहता है उस इंजन वाल्व, पिस्टन जब नीचे से ऊपर आता है ये कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन में क्या रहता है, एयर और फ्यूल को मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं। दबाने से क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है उसी समय स्पार्क प्लग स्पार्किंग देखा, देखो स्पार्क प्लग ने स्पार्किंग नहीं, स्पार्क से जल गया। तो ये तीसरा स्ट्रोक रहता है पावर। चौथा स्ट्रोक रहता है एग्जॉस्ट, यानी इसके अंदर जो जली हुई गैसें रहती है वो बाहर निकलती है। तो जेब अपने इंजन के अंदर इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है जिसकी हम कल्पना कर, कब सक्शन हो रहा है, कब कंप्रेशन हो रहा है, कब पावर हो रहा है, कब एग्जॉस्ट हो रहा है। देखो क्या रहता है, जब हमारी गाड़ी चलती है, मान लो 50 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, तो हमारा इंजन कितनी स्पीड से चल रहा है ये हम पता नहीं कर सकते। मान लो आपकी गाड़ी 10,000 RPM पर चल रही है, RPM का मतलब रहता है आपका इंजन 10,000 बार 1 मिनट में घूम रहा है। जब 10,000 बार इंजन 1 मिनट में घूमेगा तो 1 सेकंड में 170 बार पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है 1 सेकंड में, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ये रियल होता है, ठीक है। तो सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट ये कब हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता नहीं चलता, 1 सेकंड में 170 बार ऊपर नीचे होता है। तो ये प्रोसेस कितनी फास्ट रहती है ये तो मैंने बता दिया इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले सक्शन होता है, सेकंड कंप्रेशन होता है, चौथे में पावर होता है, तीसरे में पावर होता है और चौथे में एग्जॉस्ट होता है। तो ये बिल्कुल चार स्ट्रोक इंजन रहता है, फोर स्ट्रोक इंजन इसलिए बोलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप जरूर अपने मित्रों को शेयर करें जो मैकेनिक भाई है, नया ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो क्योंकि मैंने आज से ही ये क्लास ज्वाइनिंग करी तो मैं बाइक की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ उन मैकेनिक भाइयों को। इससे मेरा तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन हाँ उन मैकेनिक भाइयों को फ़ायदा हो जाएगा जो मेरे मैनुअल से, मेरी बातों से वो सीखेंगे और अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।